हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेट क्रैकर। आज हम रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ना शुरू करेंगे और इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था 2016 में, हम एक वो सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी ऑपरेशंस जो कंडक्ट किए जाते हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। रिलेशनल अलजेब्रा इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन टू मैनिपुलेट रिलेशंस। अब हमें पता है कि जब हमने रिलेशनल मॉडल पढ़ा था तो सारा जितना भी हम डेटा सेव करते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, तो उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं जो कि रिलेशनल अलजेब्रा में आते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज विच मीन्स दैट एज द इंस्ट्रक्शन आर रिटन वो वैसे ही एग्जीक्यूट होती है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो जो ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं रिलेशनल अलजेब्रा में, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम एडिशनल रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइन एंड डिविजन। राइट, सो हियर वी हैव एन एग्जाम्पल। दो टेबल्स हैं पी और क्यू गिवन, और दोनों में दो एट्रीब्यूट्स हैं आई जी और नेम। तो अगर हम इसके ऊपर यूनियन ऑपरेशन अगर अप्लाई करें तो हमें ये दोनों टेबल्स का कंबाइंड एक टेबल मिलेगा जो कि यहाँ है, जहाँ पर हमने देखा है कि जो भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं उन्हें हमने एक ही बार लिखा है। जैसे 101 यहाँ पर भी था, पी में और क्यू में भी है, तो हमने जो आउटपुट देखा तो वो सिंगल टाइम ही लिखा गया है। तो ऐसे हमने यूनियन करके इन दोनों का कंबाइंड यहाँ पर बनाए विदाउट एनी रेपिटेशंस। ठीक है, तो वैसे ही इंटरसेक्शन अगर देखेंगे तो इंटरसेक्शन हमें मिलेगा दोनों टेबल्स में जो भी टपल्स सेम हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, पी इंटरसेक्शन क्यू, तो मतलब है जो कॉमन रोज़ हैं दोनों टेबल में, जैसे 101, 102 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वैसे ही डिफरेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो पी माइनस क्यू। अब पी माइनस क्यू का मतलब है कि ओनली पी हमें एज आउटपुट चाहिए, तो ओनली पी हमें कब मिलेगा, जब हम जितने भी रोज हमारे क्यू में प्रेजेंट है वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें पी में से। तो जैसे हम देख सकते हैं कि 101, 102 इधर भी है पी में और क्यू में भी है, तो हमने उन दोनों को रिमूव करके जो हमें बाकी बचे हैं वैल्यूज़ उन्हें हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पी माइनस क्यू हमें मिला है 103, 106 और साथ में उनके नेम भी जो उनके अगेंस्ट थे। ठीक है, और अब हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, सो इसे हम देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या देता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिव्स अस ऑल द पॉसिबल टपल्स दैट आर पेयर्ड टुगेदर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास दो टेबल्स हैं एस और आर, अब हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढना है, तो हमें क्या मिलेगा, जो पहला रो है पहले टेबल का वो हम हर रो के साथ लिख देंगे, उसको पेयर अप करेंगे हर रो के साथ सेकंड टेबल के। तो देख सकते हैं अल्फ़ा माइन अल्फ़ा एंड वन हमने सभी उसके साथ सभी रोज के साथ लिखा है जो सेकंड टेबल में प्रेजेंट थे। वैसे ही बीटा टू हमने सभी के साथ लिखा है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे करके हमको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ नॉट फीजिबल इन केस ऑफ ह्यूज टेबल्स विथ थाउजेंड्स ऑफ टपल्स। ये तो है, अगर हमारे पास टेबल्स जो बहुत बड़े बड़े हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट है, अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और मेमोरी स्पेस भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगी, तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं और इसके बजाय हम जॉइंस यूज़ करते हैं। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टेबल से हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, ये है एक तो डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट रिलेशन क्या है। डिग्री हमें पता है कि सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स होता है, कि कितने एट्रीब्यूट्स दोनों टेबल में, उन दोनों का सम हमें देगा डिग्री इस टेबल की। तो यहाँ पे आर में दो थे और एस में तीन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, तो 2+3=5 हमें देता है। कार्डिनलिटी हमें देता है नंबर ऑफ रोज, तो इसमें 2 रोज है, इसमें 4 रोज है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 2 × 4 हमें 8 है हमारा कार्डिनलिटी ऑफ दिस रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ सिंटेक्स है सिलेक्शन ऑपरेशन का,
कि पहले तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सिलेक्शन, और उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आता है नाम उस रिलेशन का जिसके ऊपर हम ये सिलेक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑपरेशन इज़ यूज टू रिट्रीव टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन सेटिस्फाइंग सम सिलेक्शन कंडीशन। तो पहले तो एक कोई कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए, और हमें रिट्रीव क्या करना है, टपल्स, तो मतलब नंबर ऑफ रोज हमें रिट्रीव होकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, सिलेक्ट सैलरी ग्रेटर देन 3000 एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई टेबल का नाम है, एम्प्लॉई टेबल में से हम वो सैलरी सिलेक्ट करेंगे जो 3000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन इज़ अ यूनरी, इट ऑपरेट्स ओनली ऑन ओनली वन रिलेशन एट अ टाइम। तो सिलेक्ट ऑपरेशन है वो एक टाइम पर एक ही टेबल पे अप्लाई किया जा सकता है, ऐसे नहीं कि नंबर ऑफ़ टेबल्स के ऊपर हम सिलेक्ट ऑपरेशन एक ही टाइम पे अप्लाई करते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो और डिग्री ऑफ रिलेशन रिमेन सेम। अब जब भी हम कोई एक रो सिलेक्ट करके हमें आ रही है, तो उससे हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जो भी उस टेबल में थे। ठीक है, तो डिग्री तो उस सेम ही रहेगी हमारे टेबल की जब हम सिलेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एंड इट इज़ कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब है सिलेक्ट ऑपरेशन चाहे हम किसी भी सीक्वेंस में अप्लाई करें, C1 पहले करें या C2 पहले करें, तो हमें आउटपुट हमेशा सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन अगला है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन सिलेक्ट द स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम द रिलेशन, इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब जो हमारा सिलेक्शन था वो रोज लेकर आता था, और प्रोजेक्शन हमारे कॉलम्स लेकर आता है आउटपुट में। तो यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में से हम नेम और सैलरी लेंगे, और जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उन्हें रिमूव करने के बाद ही हमें आउटपुट मिलेगा। सो द नंबर ऑफ टपल्स रिटर्न्ड बाय प्रोजेक्शन आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ टपल्स इन द स्पेसिफाइड रिलेशन। ये तो होगा जब डुप्लीकेट वैल्यूज़ हम हटा देंगे, तो नंबर ऑफ टपल्स एक्चुअल में कम होंगे हमारे आउटपुट में इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल टेबल में थे। अब ये क्वेश्चन है जो 2016 के जुलाई एग्जाम में आया था पेपर 3 में। तो यहाँ आपको चार स्टेटमेंट्स दी हैं, ये चारों के हमें क्या आउटपुट आता है, और इन चारों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि ये सेम ही क्वेरी है, क्योंकि जिससे रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कंसिडर द रिलेशन आर ए बी एंड एस बी सी एंड द फॉलोइंग फोर रिलेशन एलजेब्रिक क्वेरीज ओवर आर एंड एस। तो ये चार हमें दी हैं, तो उसमें से हमें पता है वन कैन डिटर्मिन दैट 1, 3, and 4 आर द सेम क्वेरी। तो मतलब हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी क्वेरी सेम है। ठीक है, तो पहली क्वेरी को देखते हैं। पहला है प्रोजेक्ट ए बी एंड जॉइन आर एंड एस। अब जॉइन ऑपरेशन हमने भी पढ़ा नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर और एस दो टेबल्स है जिसमें ए बी और बी सी प्रेजेंट है। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ए बी सी मिल जाएगा टपल, मतलब सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, बट उनमें से हमें प्रोजेक्ट क्या करना है ए बी, तो हमारा आउटपुट में खाली ए बी आएगा। ठीक है, दूसरा है आर जॉइन प्रोजेक्ट बी फ्रॉम टेबल एस। तो टेबल एस में से हमें सिर्फ बी आएगा, और रिलेशन आर में ए बी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद हमें ए बी ही आउटपुट में मिलेगा। वैसे ही अगला वाला आर इंटरसेक्शन प्रोजेक्ट ए फ्रॉम रिलेशन आर एंड क्रॉस प्रोडक्ट प्रोजेक्ट बी फ्रॉम रिलेशन एस। तो पहले तो इंडिविजुअली लिख लेते हैं कि आर टेबल में हमें क्या मिलता है ए बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर प्रोजेक्ट ए फ्रॉम आर। तो आर टेबल में से सिर्फ ए को हम ले रहे हैं, प्रोजेक्ट सिर्फ ए को कर रहे हैं क्रॉस, उसके बाद प्रोजेक्ट बी फ्रॉम एस, तो एस टेबल में से सिर्फ हम बी ले रहे हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगा, ए बी ही मिलेगा, तो ए बी ही इसका आउटपुट आएगा। और जो लास्ट थी हमारी स्टेटमेंट वो क्या है, प्रोजेक्ट ए कॉमा आर डॉट बी फ्रॉम आर एंड एस। तो ये आर और एस का हमने क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो हमें ए बी सी एक नई टेबल टी में मिल जाएगा। ठीक है, पर अगर हम प्रोजेक्ट का लगेंगे करने ए और आर डॉट बी, तो ये हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो अब नया टेबल बना है वो कोई और है, वो आर नहीं है। ठीक है, तो ये वाली तो नहीं होगी अप्लाई। तो इधर से हमें पता चलता है कि जो हमारी क्वेरी 1, 2, और 3 थी, उन्हीं से हमें सेम आउटपुट आ रही है, देयरफॉर वी कैन से दैट 1, 2, and 3 आर द सेम क्वेरी। सो आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ आए होंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉइंस पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.